तो गाइस आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं सीक्रेट वाटरफॉल में तो आप आ सकते हो भाई। अरे वाह, आप आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत फील एकदम। आ जा यार, शर्मा रहा है भाई। बता 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 यार, बता बता। कल ज्वाइनिंग है, मैं कल जा रहा हूँ देहरादून सिकंदराबाद। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया यहाँ के तो लग, सुकून लग रहा है ऐसा कि हाँ कहीं आए हुए किसी फॉरेस्ट जगह। अभी बड़ा मजा आ रहा है वैसे, बट ठंडा ठंडा पानी है भाई बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और स्वागत है आपका योग नगरी ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में योग ही नहीं, ऋषिकेश में वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो कि आज मैं हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वाटरफॉल की तरफ। तो गाइस आप यहाँ आ सकते हो, आपने तपोवन आना, तपोवन से डकेन वैली की तरफ जो रास्ता जाता ना, डकेन वैली की तरफ से जो सीधा सीधा रास्ता आ रहा है उस रास्ते से आप यहाँ पहुँच सकते हो सीधा सीधा। काफ़ी यंग स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ ज़रूर आप विजिट करें, बहुत ही बढ़िया और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई ये, कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्राइजेस नहीं है, आप यहाँ आ सकते हो आराम। यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पर इंडियंस तो है ही है, यहाँ पर फॉरेनर भी जो है ना साथ में एंजॉय लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और पीछे का आप देख सकते हो एरिया, बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा है, जो झरना पीछे से बह भी रहा है भाई। मनीष भाई बताओ यार यहाँ के बारे में कुछ। यहाँ के बारे में बहुत ही सुंदर जगह है इधर। हाँ। इधर हम दिल्ली आते। मेरा नाम सौरभ कपसूरी। सौरभ भाई कैसा लगा यहाँ पे? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद। नहीं पहली बार आये हो मैच? पहली बार आये हो जी। इसको सीक्रेट वाटरफॉल कहते हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो बाहर से आ रहे लोग? बाहर से आने वाले लोग को कहूंगा मैं यहाँ पे कोई गंदगी ना करे, ये सफाई का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, प्रकृति में प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, कोई गंदा गंदा। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लगा? बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है? बहुत मजा। थैंक यू जी। कहाँ भाई, फॉरन से थोड़ी इंडिया से होंगे? दिल्ली। दिल्ली और आपका? दिल्ली। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम है। किसको पूछे? आ जा यार, शर्मा रहा है भाई। बता 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 यार, बता बता। कल ज्वाइनिंग है, मैं कल जा रहा हूँ देहरादून सिकंदराबाद। कोई बात नहीं। कुछ लोकल बॉय जो कि यहाँ एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह से बताया उन्होंने यहाँ पर अच्छा है। और मेन ये ना, यहाँ पर जो भी आता है गंदगी बहुत फैलाते हैं लोग, तो मैं यही कहूँगा भाई साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आपने आना है, आपने यहाँ पर नहाना भी है। भाई सर आप भी अगर ऋषिकेश आ रहे हैं, ऋषिकेश आके यहाँ का प्लान आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही सुकून है और चारों तरफ जंगल पहाड़ी, बहुत ही मज़ेदार जगह है यार, बहुत ही मज़ेदार। यही कहना चाहेंगे यार, गंदगी ना फैलाए और आए तो सेफली आए, और अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम है या अच्छा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया यहाँ के तो लग, सुकून लग रहा है ऐसा कि हाँ कहीं आए हुए किसी फॉरेस्ट जगह। आप भी प्यार से लग रहे? हाँ प्यार से। कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम ऋषिकेश। और भाई ने जो है कैमरा दे दिया और अब इनकी जो है फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। भाई लोग बिहार से आ रखे हैं तो बिल्कुल बनता है भाई ये क्लिक भी। मैं भाई लोगों की जरा फोटो ले रहा हूँ और बड़ी अच्छी जगह है। ओके रेडी स्माइल। तो भाई लोग बिहार से यार मजा आ रहा है भाई, उत्तराखंड घूमने आ रखे हैं और फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी उल्फी ले रहे हैं, तो अच्छा लगा इनको यहाँ पे। तो गाइस यार इनको देख के मेरा भी मन कर रहा है कि कपड़े निकालो और उतर जाओ और देखते हैं, थोड़ा सा मन तो बन रहा है मेरा।
फाइनली गाइस बहुत मजा आ रहा है और मेरा भी मन कर रहा था नहाने का इनको देख के, और भाई मैं भी उतर गया हूँ नहाने के लिए और बड़ा मजा आ रहा है वैसे जैसे, बट ठंडा ठंडा पानी है भाई बहुत। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर ना आप अलग अलग जगह में नहा सकते हो, कपल्स में नहा सकते हो, सिंगल में नहा सकते हो और फ्रेंड सर्कल में भी नहा सकते हो। चलो जरा नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग आ रखे हैं अभी, तो उधर भी चलते हैं और देखते हैं अभी वहाँ का कैसा है माहौल। तो मैं आ गया अभी नीचे वाले पूल में और बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह है यहाँ पर यार, अच्छा खासा है और आप देख सकते हो भाई। ये देखो भाई बिल्कुल मजे ले रहा भाई। ठीक है यार पानी आप देख सकते हो भाई, मैं तो कंप्लीट अंदर आ रहा हूँ इसमें, तो आप भी आ सकते हो एंजॉय कर सकते हो भाई। तो गाइस आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं सीक्रेट वाटरफॉल में तो आप आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, सभी लोग आ रखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आ रखे हैं लोग भाई। और थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था ना जब गाड़ी से, एक अंग्रेज बोल रहा था यार मेरे को भी ले चल बोलो वहाँ पे, मैंने कहा यार गाड़ी हाइट में है इसलिए नहीं ले जा पाया उसको मैं, वो बेचारा पैदल ही आ रहा होगा। तो यहाँ भाई सभी लोग आते हैं, तो भाई सीक्रेट वाटरफॉल के तो मज़े ही कुछ हो रहे हैं, मस्त एकदम। यहाँ पर रॉक भी है जहाँ पर कि लोग जंप जुम्प वगैरह मारते हैं, बढ़िया है यहाँ पे। और सामने आप देख सकते हो भाई धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे एक दो बज रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ लग रही है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी की पार्किंग शुरू हो गई है भाई, कुल मिला के बढ़िया है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मज़े हैं और इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं मिलेगी। ज़रूर आइए आप ऋषिकेश के इस सीक्रेट वाटरफॉल में। नीर वाटरफॉल भी है, नीर वाटरफॉल की अपनी अलग ही वो है और यहाँ की अपनी एक अलग ही वो है, तो भाई मज़े हैं दोनों जगह। और जल्दी पहुंचना है तो ये बहुत अच्छी जगह है तपोवन से, यहाँ पहुंच सकते हो आप डकन वैली के थ्रू भाई, इजीली आप प्लान कर सकते हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ऋषिकेश में तो काफ़ी वाटरफॉल है लेकिन जैसे दूर दूर है, पटना वाटरफॉल काफ़ी दूर है, नीर वाटरफॉल थोड़ा इससे दूर है, और ये सीक्रेट वाटरफॉल जो कि तपोवन में ही है तो बहुत ही अच्छा है और ये सबके लिए कॉमन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। नीर वाटरफॉल थोड़ा बहुत जो है कि वहाँ पर चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वहाँ आप जो है कि पेड करके जा सकते हो, यहाँ आपको कोई पेड नहीं करना भाई, आराम से जो है आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। कैसा लग रहा है भाई ऋषिकेश में? एक नंबर लग रहा है भैया। तो कहाँ से आप? कहाँ से आप? हमें विशाखापट्टनम वाइजाग। अरे वाह आप आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत फील, एकदम एंजॉयमेंट करने के लिए आए हम लोग ऋषिकेश में, मैं और मेरा भाई आए, भाई है साथ में, तो अच्छा लग रहा है भाई इनसे मिलके। सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करिएगा। तो ये विशाखापट्टनम से आ रखे यहाँ एंजॉय करने के लिए ऋषिकेश, कितने दिन रुके आप ऋषिकेश में? चार दिन हो गया। चार दिन हो गया? आज पाँच दिन हो जाएगा। आज पाँच दिन हो गया, कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो सोच रहा हूँ इधर ही सेटल हो जाओ। अरे आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और भाई देखो भाई ऋषिकेश छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई का, और ऋषिकेश में सेटल होने का प्लान बना रहे हैं भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है। क्या सचिन कुमार जी, क्या नाम भाई? सचिन भाटी। सचिन भाटी। मनीष भाई। मोनू यादव। मोहित शेरावत। मोहित शेरावत। तो भाई लोग कैसे लगा ऋषिकेश में? आनंद आ रहा है। और आप वापिस जाने का? और आप लोग तो लोकल है यार, आना जाना लगा रहता होगा। तो क्या कहने जाएंगे लोकल यहाँ पर, आप अगर आ रहे हो यहाँ पर, जो साफ सफाई ठीक ठाक है या होनी चाहिए क्या? तो ये कह रहा हूँ दिल्ली में जो हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी गलत फहमी है दिल्ली में रहने की, हम यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। आ जाओ, बता रहा, प्राकृतिक चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी है, साथ में बहुत अच्छा मिल रहा है, खाने की शुद्ध खाना मिलता है, बिल्कुल हवा यहाँ की, हवा पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, खुल के सांस ले रहे हैं। काफी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, और वो ऊपर वाले झरने पे गए हुए थे, ऊपर भी एक पॉइंट है, फिलहाल मैं ऊपर गया नहीं, वहाँ भी कभी जाएंगे, फिलहाल हम यहाँ का एंजॉय ले रहे हैं अभी, और बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है भाई यहाँ आके, एकदम कूल कूल।
और इसके आसपास भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और आफ्टर 2 o'clock यानी 2:30-3 o'clock के तकरीबन तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आते आते हैं। चले भाई भैया, मिलते हैं फिर। ये है रोशन भाई, विशाखापट्टनम से आ रखे हैं दोनों भाई। तो कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये था गाइज आज का वीडियो, और वीडियो जो था वो था वाटरफॉल पे, जो कि सीक्रेट वाटरफॉल है। आप भी अगर ऋषिकेश आते हैं ना तो पक्का प्लान कीजिए, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं वीडियो में, और बहुत ही अच्छी जगह है यार, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आज का ब्लॉग की करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।